नमस्कार, मध्यान खबर को स्वागत। मु मंदाकिनी। प्रथम देखिबा हेडलाइंस। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुभारंभ। डिजिटल रूप से सुरक्षित रहिबो पूर्व स्वास्थ्य रेकर्ड। 15 अगस्त 2020 रे कथा देथिले मोदी। योजना को भारत पई असामान्य सफलता कहिले प्रधानमंत्री। गंजाम रे युवती को अपहरण मामला। 7 दिन पर पुलिस हाथ खाली। दिवालोक रे 22 वर्ष युवती को अपहरण। परिवार लोकों को पुलिस दुर्व्यवहार अभियोग। पिपिली उपनिर्वाचन आज प्रचार शेष दिन। आज संध्या शेष हो चली प्रचार अभियान। 3 प्रमुख दल कसरत रूप से रोटर नजर। अनेपटे प्रचार शेष दिन पूर्व पिपिली 7 शखे बीजेपी निर्वाचन कार्यालय उपरे बोमामाड़ अभियोग। गजपति रे बात्या तांडव। गुलाब बात्या परे वर्षा एवं भूस्खलन। गजपति अजयगढ़ पंचायत 15 गाँ सह जोगाजोग विच्छिन्न। आंध्र संथगुड़ा लैंड फॉल कला सामुद्रिक झड़। गुलाब 60-70 किलोमीटर बेगरे। पवन सहित दक्षिण ओडिशार विभिन्न जिले में वर्षा। 6 घंटार तांडव पर दुर्बल है बात्या। 39,000 लोक सुरक्षित स्थानांतर। आज आसीबो बात्या क्षयक्षति आकलन रिपोर्ट। एवं राज्य में गत 24 घंटे 444 जन कोरोना पॉजिटिव। 18 वर्ष कम वयस्क 68 चिन्हट। खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 170 आक्रांत। राज्य में एवं भी 5702 सक्रिय मामला। आसवा संपूर्ण खबर को। 15 अगस्त 2020 कथा देते आज कथा रखिले। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुभारंभ करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एही योजना को भारत पई असामान्य सफलता कहिसेंती प्रधानमंत्री। पूर्वर पुरुणा स्वास्थ्य रेकर्ड संग्रह करि परिबे भारतर 130 कोटी जनता। डिजिटल रूप से सुरक्षित रहिबो एही रेकर्ड। एथिरे लैब रिपोर्ट मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन पूरा तथ्य रहिबो। हेल्थ कार्ड जरिया रे अन्य योजनारु मध्य लाभ नै परिबे। डाक्टरंकु भेटिबाकु अपॉइंटमेंट मध्य नै परिबे। 3 वर्ष तले आयुष्मान भारत योजनार आरंभ होइतिला। आउ आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुभारंभ होइछि। पूर्वरु 6 केन्द्रशासित अंचलरे पायलट प्रोजेक्ट भाबरे एहा आरंभ करा जाइतिला। आज से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मरीजों को पूरे देश के हजारों अस्पतालों से कनेक्ट करने का जो काम आयुष्मान भारत ने किया है आज उसे भी विस्तार मिल रहा है। एक मजबूत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मिल रहा है। साथियों, आज भारत में जिस तरह टेक्नोलॉजी को गुड गवर्नेंस के लिए गवर्नेंस सुधारने का एक आधार बनाया जा रहा है वो अपने आप में जन सामान्य को एम्पावर कर रहा है। यह अभूतपूर्व है। डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत के सामान्य मानवी को डिजिटल टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके देश की ताकत अनेक गुना बढ़ा दी है। अब हम भलीभांति जानते हैं हमारा देश गर्व के साथ कह सकता है 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स,
लगभग 80 करोड़ इंटरनेट यूजर, करीब 43 करोड़ 43 करोड़ जनधन बैंक खाते, इतना बड़ा कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कहीं नहीं है। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर राशन से लेकर प्रशासन तक हर एक को तेज और पारदर्शी तरीके से सामान्य भारतीय तक पहुंचा रहा है। यूपीआई के माध्यम से कभी भी कहीं भी डिजिटल लेनदेन में आज भारत दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। अभी देश में जो ई रूपी वाउचर शुरू किया गया है वो भी एक शानदार पहल है। साथियों, भारत के डिजिटल समाधानों ने कोरोना से लड़ाई में भी हर भारतीय को बहुत मदद की है, एक नई ताकत दी है। अस्वभावे परवर्ती खबर को पिपिली उपनिर्वाचन पई प्रचार रो शेष दिन पूर्वरो पूर्णी थरे पिपिली अशांत होई उठिछे। रविवार मध्यरात्रि रे केही दुर्बृत्त सात शंख स्थित बीजेपी रो अस्थाई निर्वाचन कार्यालय उपरे बोमामाड़ करथिबा देखिबा को मिलिछे। पूर्वरो अनेक बार बीजेपी कर्मकर्तांको उपरे आक्रमण होइतबा बेले बीजेपी रो अस्थाई निर्वाचन कार्यालय उपरकु बोमामाड़ होइछे, जहाँ पिपिली रे आईन श्रृंखला परिस्थिति बिगिड़िबार आभास मिलुछे। उपनिर्वाचन पई सात शंख बीजेपी कार्यालय द्वितीय महला रे कपड़ा द्वारा अस्थाई कोठरी तैयारी करा जायतिला। कार्यालय पछपटु दुई जन दुर्बृत्त आसी बियर बोतल रे तैयारी होइतिबा पेट्रोल बोमा फिंगिथिबा प्रत्यक्षदर्शी माने अभियोग करिछन्ते। परे खबर पाई सात शंख पुलिस घटनास्थल रे पहुंची तदंत आरंभ करिथिबा जणा पडिछि। तेबे एसआरसी वर्तमान सांबादिक सम्मेलन करछंती, आसंतु यार सीधा प्रसारण देखिबा। 2-3 आवर्स ओडिशा बाउंड्री बाहर को जीवार संभावना अछि, एवं वर्तमान ताहा डीप डिप्रेशन बा तीव्र अवपात अछि। साइक्लोनिक स्टॉर्म जहाँ था तार कमी जाइथला गतकालठू, एवं आशा करा जाउ कि आउ सेमथि आउ 2-3 घंटा भितर सेटा डिप्रेशन को आरो पोटेंशियल विंड स्पीड होचे पोटेंशियल, आई एम नॉट सेइंग द एक्चुअल विंड स्पीड, तर पोटेंशियल विंड स्पीड 50 किलोमीटर रहिबो। तबे आमे जहाँ देखिछु ओडिशा भितरे गतकालीठू सेमिति मेजर विंड कोठी आमे देखिनु, विंड एक्शन पवन बेग सेमिति अति कोठी अधिक होइ नै। केवल गजपति जिल्ला रे काली राति माने आज सकाळ 8टा पर्यंत टिके यूनिफॉर्मली वर्षा टिके हिचि, एवं कोरापुट जिल्ला रे 2टी ब्लॉक रे 100 मिलीमीटर रु अधिक वर्षा हिचि। 145 मिलीमीटर रहिचि पोटांगी ब्लॉक रे, आउ गोटे ब्लॉक रहिचि 100 मालकानगिरी गोटे ब्लॉक रे 107 मिलीमीटर, आउ कोरापुट रो पोटांगी ब्लॉक रे 148 मिलीमीटर हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड करा हिचि। गजपति जिल्ला रे आमे जोठी कहते बहुत वर्षा हाब बोली पाणीपाग विभाग सूचना दूसरा सेमती खास किसी नहीं ना। तेब तथापि गोसाणी ब्लक 83 मिलीमिटर, मोहना ब्लक 70 मिलीमिटर, आर उदयगिरी 69, गुमारे 68, रायगढ़ गजपति जिला रायगढ़ ब्लक 66 मिलीमिटर, पारलाखेमुंड 60 मिलीमिटर, नुआगढ़ 51 मिलीमिटर। सो यूनिफर्म रेनफल हो 63 मिलीमिटर आवरेज रेनफल हो। नेक्स्ट हाइट आवरेज रेनफॉल मालकानगिरी अधिक, डिस्ट्रिक्ट आवरेज हूँ 53 मिलीमिटर, तापर फॉलोड बाय कोरापुट जो 49 मिलीमिटर पाखापाखि वर्षा होती। यदि आम ब्लॉक वाइज देखा ताले 21 ब्लॉक 50 मिलीमिटर अधिक वर्षा होती, जो साइक्लोन अफेक्टेड एरिया डिस्ट्रिक्ट गुड़ा तेणु सेमती देखने विशेष वर्षा है। तेज यही जो वर्षा फल कि पहाड़िया जो झरणा अच्छे नाल अच्छे से जगह अल्प कत जगह रास्त पा बही बहुत
राति भितर गुड़ा जगार कमी जाइए सकाल को ना तेज कोरापुट जिले में गोटे जगार से मैंने रोड को ब्लक कर रखिंट कारण पा चलूला नौटा बेल या भितर कमी थी एवं मलकानगिरी जिले में किसी रास्ता उपर गच पड़ी पचास षाठीटा गच पड़ता से क्लीयर कर कोरापुट जिले में जो आम विजयनगर जो रास्ताटा आसूँ कोरापुट को सुंकी घाटी से गोटे जगार लैंडस्लाइड हो मेन रोडटा ब्लक होता बर्षा सकाल आज चलता से मानने कंट्राक्टर्स ऑफिसर्स आउ प्रोक्लेन जेसीबी सब मेसीन नहीं अपेक्षा करते जमी वर्षा कम काम आरंभ करेंगे सब ये बहुत बड़ समस्या नुहे से क्लीयर करदे मोटामोटी भाव देखा गले आम यो बात्या प्रकोप जो जी पाणीपाग विभाग जी बर्षार आकलन कर गजपति कंधमाल रायगड़ा कोरापुट मलकानगिरी जो मलकानगिरी तो बर्तमान चली अच्छी तेनाली मलकानगिरी कहवाटा ठीक हे ना अन्य जिले में जो भाई से वार्निंग दे जो भाई इनफर्मेसन थी से तुलन में कम वर्षा होती कम पवन होती कौन प्रकार अघट घटिना सेमती कौन मेजर समस्या आम पाखु आसीना गत काल तो मुझे गोटे गुमा ब्लक गोटे दुटा जगह छोटिया माने पहाड़ स्लोप टिके खसी आसला रास्ता उपरू से माने क्लियर कर देते आउ जो गाजलबाड़ी सोरडा से रास्ताटा कल बंद कराइला एवं खोलाई तेणु आउ सेमती समस्या कौटि किसी ना आउ अनदर टू थ्री फोर आवर्स भितर यहाँ ओडिशा पर जो प्रभाव था कमिजी जहाँ भी प्रभाव अच्छे कमिजी आउ तो विशेष किसी ना आ तो डैमेज असेसमेंट जहाँ भी होता है विशेष तो आशा करूँ से मेजर डैमेज किसी हो तथापि तो आमर जो अच्छी रिलीफ एसडीआरएफ नियम अनुसार आम सब जिलापा मानक बर्तमान कहूँ से डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट करके देवे जहाँ भी जो भी किसी होता है से अनुसार आम रिपोर्ट नेक्स्ट चार पाँच दिन भितर माग मागिला परे जहाँ असेसमेंट अनुसार जहाँ किसी दरकार पड़ सरकारी साज्य जोगे दिजा आउ टोटाल एंटायर प्रोसेस रे पाखापाखि छयास हजार लोक मैंने गत काली आम कही थर्टी नाइन अलमोस्ट फाइनाल फिगर हूँ छयास हजार पचस्तरी अलमोस्ट फाइनाल फिगर आउ छयास हजार पचस्तरी लोक एगार शह अणानबे टी सेल्टर में रखाही आउ माने 1533 जन जो प्रेग्नेंट वुमेन जहाँ डेलीवरी संभाव्य डेलीवरी डेट पाखर थिला यही 1533 जन माँ को माँ गृह सीएचसी पीएचसी हॉस्पिटल को आनी काली राति मत गोटे भल लेट नाइट गोटे व्हाट्सएप गंजाम आसला जे यही जन को उठे आनी काली गाँव रु दैट प्रेग्नेंट मदर हाज डेलीवर्ड ए हेल्दी बेबी से फोटो सब पठाई एंड दे वर थैंकिंग द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जे जहाँ टाइमली इवाकुएट करके आनी सो से अन्य जगार भी सेम प्रिकसनरी मेजर पर आम से इट इज ए भेरी गुड प्रैक्टिस एंड यही प्रैक्टिसटा भविष्य में जेकोसी डिजास्टर सिचुएसन आम कंटिन्यू करूँ सो बाय एंड लार्ज सिचुएसन इज ओके देर इज नथिंग अलर्मिंग एज ऑफ नाउ एंड आशा करूँ भी मलकानगिरी जो वर्षा बर्तमान चली सेमती मेजर किसी समस्या हम ना आशा कर नहीं से जदि कौटि कौन हो आसेसमेंट बेल जना पड़े इमिडियेटली सेमती मेजर किसी आसी ना जो इमिडियेट रिपोर्ट में कौन सेमती किसी घर भंगार ये भी आसी ना गच्छ भी रास्तार सेमती का हाँ कौटि गोटे अध गच जो भांगता से बाहर करदे सांगे केवल मलकानगिरी रिपोर्ट कर पचास षाठीटा गच भांगी जोटा कि रास्ता क्लीयर कर सारे अदरवैज सेमती ये ना इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रप्शन कौटी है ना कारण जो पवन रेग जहाँ था प्रायतः इलेक्ट्रिसिटी पोल सेमती मेजर डिस्ट्रप्शन होवार भी ना टेक्निकल तो हम ना केवल गच जब पड़ जाता कौटी
ହେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେମିତି କିଛି ବୋଧେ ହେଇନି। ମାଲକାନଗିରିରେ ବି ଯେଉଁ ଗଛ ପଡ଼ିଛି ସେ ଲେଟ୍ରେ ଖୁଣ୍ଟି ଉପରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପାୱାର ଡିସ୍ରପ୍ସନ୍ ବା ପାୱାର ଲାଇନ୍ ଡିସ୍ରପ୍ସନ୍ର ଖବର ଆସିନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ହେଇନଥିବ, ଯେଉଁଠି ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଜଣାପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ହେଉଛି ମାନେ, ଲେକିନ୍ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେଉଁ ହେଭି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ମଡରେଟ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଇଣ୍ଟରମିଟେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ହେବା କଥା ସେମିତି ନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଧରନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ଖଇରପଟରେ 57 ମିଲିମିଟର, କୋରୁକଣ୍ଡାରେ 53 ମିଲିମିଟର ହେଇଛି ମାନେ ସକାଳ 8ଟା ସୁଦ୍ଧା। ତାପରେ ବି ଏବେ ଚାଲିଛି ବର୍ଷା, ଟିକେ ଚାଲିଛି ସେଠି ନା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତ ଭାଙ୍ଗିନି, ଆଉ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ କ'ଣ କରିବ, ଭାଙ୍ଗିବାର ଆସେନି, ତେଣୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ କରିବା। ଏଠି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆଉ ତ ଇଏ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ଗୁଲାବ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଆଂଶିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରୁଥିଲେ SRC, ଯାହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଆସିବା ତେବେ ସେହି ଖବରକୁ ଯେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ, କାରଣ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ। ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ଗୁଲା ପ୍ରଭାବରେ ରବିବାର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିପିଲିରେ ପ୍ରଚାର ଜୋରସୋର ଚାଲିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ BJD, BJP ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିବା ସହିତ ନିଜ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ ବେଶ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପିପିଲିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କାଳୁଚରଣ। କାଳୁଚରଣ, ଆଜି ହେଉଛି ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନର ଶେଷ ଦିନ ଏବଂ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ, କେମିତି ସେଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି? କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗତକାଲି ହିଁ ପିପିଲିର ସାଥ ଶଙ୍ଖଠାରେ କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସିକରି ବୋମା ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବ, ଯେତିକି 30 ତାରିଖ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେତିକି ପିପିଲି ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ସରଗରମ ହେବା ଲାଗିଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡୋର୍ ଡୋର୍ରେ ବୁଲିକି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ ହେବା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ 30 ତାରିଖ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ପିପିଲି ରାଜନୀତି ସରଗରମ ବା ଉଷ୍ମ ହେବା ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗତକାଲି ରାତି 12ଟା ସମୟରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାତ ଶଙ୍ଖର BJP ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରକୁ 2 ବିହର ବୋତଲ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପିପିଲି ରାଜନୀତିରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ BJP ନେତାମାନେ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଶାସକ ଦଳ ଯେହେତୁ ହାରିବାର ଭୟ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ହିଂସା ଆପଣାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି। ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଜି BJP ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯିଏ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ରହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ, ସେ ଆସିକି ପିପିଲି ବଜାରରେ ପଦଯାତ୍ରା କରିବା ସହିତ ଏବଂ BJDର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲିକି ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ସମାନ ଭାବରେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଯେହେତୁ 30 ତାରିଖରେ ମତଦାନ ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, 348 ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁରୀଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପିପିଲି ଅଭିମୁଖେ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ଆସି ପିପିଲିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରସ୍ତ କରିବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ତ ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଆଜି ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି ପ୍ରଚାରର, ଏଥିପାଇଁ ପୁରା ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। କାରଣ କାହିଁକିନା ଆଉ ହାତରେ ସମୟ ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ ହେବ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ଉଷ୍ମତା ଲାଗି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲିଠୁ ବୋମା ମାଡ଼ ହେଲାଣି, 30 ତାରିଖ ଯେହେତୁ ଆହୁରି 2 ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କୌଣସି ହେଉନଥିବା, ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉନଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। କେବଳ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
पुलिस केवल पैंतरा मारुची किंतु संध्या छु सका छः पर्यंत पुलिस देखा मिलूनवा अभोग आसफल कि जो भाव में बीजेपी अभोग आणुच्ची पैसा कारबार कर बीजेडी भोट आता चक्रांत चलाउे ता कि रोक जा पार जिते पुलिस प्रशासन संपूर्ण निघ निधरे जिला प्रशासन संपूर्ण निघ निधरे तेज किभर भाव में यह सब अनैतिक कार्य हो कहीं तेज गत काली बीजेपी विधायक अभियोग आनते बीजेडी मद मंस टा बांटी भोट आता योजना कर समान भाव में कांग्रेस विधायक दल बल कसरत करे आज शेष दिन में माइक्रो मैनेजमेंट निहाती भाव में गुरुत्व देवार आवश्यकता रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कालूचरण आपंकर तमाम सूचना पाए। आसवा एवं परवर्ती खबर को बरगड़ टाउन थाना हाजत मृत्यु घटना को विरोध करी बरगड़ बीजेपी तरफ धारणा एवं विक्षोभ प्रदर्शन करा अभियुक्त पुलिस कर्मचारी को तुरंत गिरफ मृतकों परिवार को आर्थिक क्षतिपूरण प्रदान मृतकों स्त्री को सरकारी चाकरी प्रदान मृत गोविंद कुंभार दुई संतान समस्त शिक्षा खर्च राज्य सरकार बहन करने इत्यादि दाबी से धारणा दे बरगड़ बीजेपी ए संपर्क में अधिक आलोचना करने आम सहित सीधा सड़क जोड़ी बरगड़ आम प्रतिनिधि मनीष शर्मा। मनीष वर्तमान सेठाकर स्थिति कौन देखुं कारण गोटे पटे जदि देखा हाजत मृत्यु परिवार दाबी एपटे पुलिस लाठी चाला आज जदि देखा बीजेपी वर्तमान आंदोलन कौन रही आपके अपडेट खबर देखो जो भाई भाव में लगातार जो हाजत मृत्यु को नहीं उत्तेजना लग रही जो बरगड़ जिला अशांत परिस्थिति थिला आज पुणी थे जो दुई दिन धरी शब पड़ रही शब को अंतिम संस्कार किंतु आज जेहेतु भारत बंद अच्छी अंपटे आज बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बरगढ़ जिला तरफ जो एसपी ऑफिस कार्यालय रही एसपी ऑफिस कार्यालय सम्मुखें धारणा दि जाइए विक्षोभ प्रदर्शन करा सीधा सड़क चित्त देखो देखो जो बीजेपी बरगढ़ तरफ आज धारणा दि जाने जो कार्यकर्ता अच्छा से दावी कर जो मैंने अभियुक्त एथिरे सीधा सड़क माने अरेस्ट करा जाऊ सहित जो 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 मृत्यु होइछि परिवार तांकु क्षतिपूरण दिया जाऊ आम सीधा सड़क बीजेपी सभापति अच्छा तांकु सहित आलोचना करिबा कौन कहिबे जो बरगड़ आईन श्रृंखला परिस्थिति एवं संपूर्ण भुसुड़ी पड़ी अंपटे विधायक कहते जे क्राइम ब्रांच तदन करा जीवो एसपी चुप बसि रही आपण माने आज धारणा रे बसि छथि देखंतु आम आज एथिपई धारणा रे बसि छु टे आम धारणा बसीचु आज जे दुई दिन आगु तुरा गाँवर गोविंद कुंभार ताकू बिना दोष बरगढ़ पुलिस राति अधरे उठे आनला एवं थाना हाजत रे पिटी पिटी मारिदेला आज पर्यंत बरगढ़ पुलिस किंबा राज्य सरकार घोषणा करना तार मृत्यु आपण थाना हाजत रे बोल आज पर्यंत दोषी मान विरुद्ध एफआईआर होना आज पर्यंत जो सीसी फुटेज अच्छी थाना हाजतर से सर्वसाधारण करना आम डिमांड करूचु जे जो परिवार आज ए अवस्था पड़ी से परिवार भरण पोषण पर राज्य सरकार तुरंत आर्थिक व्यवस्था करूँ तार गोटे विधवा पत्नी अच्छी ताकु राज्य सरकार स्थायी सरकारी चाकरी दिंतु एवं तार दुईटा छुआ अच्छा दुई छुआर पढ़ा व्यवस्था पाठ पढ़ार व्यवस्था राज्य सरकार करंतु एवं तुरंत दुईटा जिनस है जे गुटे राज्य सरकार तुरंत आज घोषणा करंतु जे आपणकर कस्टडी रे पुलिस कस्टडी रे तार मृत्यु होइछि बोलिकरी एवं आमे डिमांड करूछु जे तुरंत राज्य सरकार सुपारिश करंतु केन्द्र सरकार को तार मृत्यु सीबीआई तदंत हो बोलिकरी आपण जो कहते विधायक भी दाबी करिसेंती दाबी कोउ जगार हुए दाबी कौन बाइट रे हुए कि मीडिया जदि सत्साहस अच्छी बरगढ़ विधायक देवेश आचार्य जदि सत्साहस अच्छी ताहले आज राज्य सरकार को लेखंतु राज्य सरकार माध्यम रे तुरंत केंद्र सरकार को सुपारिश करंतु एवं राज्य सरकार को लेखंतु जे कस्टडी पुलिस कस्टडी रे यार मृत्युवरण होइछि बोलिकरी जदि एटा करिवे ताहले न्याय पाइबे से परिवार जदि ए काम न करंती ताहले आमे आज आंदोलन आरंभ करिछो जो पर्यंत से परिवार न्याय न पाइबे से पर्यंत भारतीय जनता पार्टी से परिवार सांगरे रही थिबो पूरा आईन श्रृंखला भुसुड़ी पड़ी आज आईन श्रृंखला बोलिकरी किछि नाही मु तो गोटे कथा कहिबी इंग्रेज समय रे मोगल साम्राज्य रे भी एमती
ଏମିତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପୋଲିସର ନଥିଲା। ଆଜି ଯେ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ ରହିଛି, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବିଜେପି ସଭାପତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଆମେ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହାଜତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏବେ ବି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିନି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନି। ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁ କଥା ପୋଲିସର ଅବହେଳା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କାହିଁକି ହେଉଛି? ସେ ଭେଡ଼େନ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ହଉ, ବରଗଡ଼ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ହଉ, ସବୁ ଜାଗାରେ ବରଗଡ଼ ପୋଲିସର ଅବହେଳା କଥା ଆସୁଛି। ବିଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କୁମାର ବାବୁଙ୍କର କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇକରି ଆଣିଥିଲା ସେଇଟା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଏସ୍ପି ମହାଶୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଉଠାଇକରି ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହତ୍ୟାକାରୀ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ FIR ଦର୍ଜ ହୋଇନାହିଁ। ଏବଂ ଆମର ଶୁଣିବାର ଥିଲେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ବି ତଲ ଉପର କରିବାର ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆମର ଆଜି ଦାବି ଅଛି ଏହା ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ CBI ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ। CBI ଇନକ୍ୱାରି ହେଲେ ସବୁ ସତକଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ପରିବାର ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିପୂରଣ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏବଂ ଅନାଥ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଦାବିରେ ରାଜି ହୋଇନାହିଁ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୀଷ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, ଅନ୍ୟପଟେ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ BJP ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନୀଷ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।